बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कार्य कर रही है और हर जिला में लाइब्रेरी का निर्माण कर उसमें बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोलन में भी ओल्ड डीसी ऑफिस में अब आधुनिक सुविधाओं से लैस लाइब्रेरी बनाई जानी है। यहाँ पर सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी है जिसके रेनोवेशन के लिए अब केंद्र से 2,23,00,000 रुपए का बजट पहुंच चुका है। शनिवार को हिमाचल प्रदेश के सचिव शिक्षा राकेश कंवर विशेष रूप से यहां उपस्थित रहे। बहुत लंबे समय से ये सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी है, इसको नए सिरे से इसका रेनोवेशन करके और रीस्ट्रक्चरिंग करके इसको बनाया जाएगा। इसमें जो भारत सरकार की तरफ से भी लगभग 2 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त होगी और बाकी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ जो साथ में जगह है उसको भी देखा है कि क्या ये संभव होगा कि यहाँ एक नया ब्लॉक और बने जो इस लाइब्रेरी के साथ इंटीग्रेट हो जाए, और साथ ही यहाँ बच्चों को बैठने के लिए, रीडिंग के लिए और अच्छा स्पेस अवेलेबल हो, उसके लिए भी चीफ आर्किटेक्ट PWD ने इसको देखा है। तो उस लिहाज से वो एक नया एस्टिमेट इसका तैयार करेंगे और जल्दी ही इसका काम शुरू किया जाएगा। एक तो डिजिटल सेक्शन बनाने की ज़रूरत है कि आज की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके हिसाब से कंप्यूटर्स और किंडल हो पढ़ने के लिए बच्चों को, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट के ज़रिए इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं या प्रिंट लेना चाहते हैं, तो ऐसा एक सेक्शन ऐसा भी हो इसमें जो ये फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड करे। उसी के साथ पूरा कैंपस जो है ये लाइब्रेरी का वाईफाई इनेबल्ड हो ताकि बच्चों को इसकी सहूलियत हो, और जो सिटिंग एरियाज़ हैं उसमें चार्जिंग पॉइंट्स रहने चाहिए ताकि वो लैपटॉप चार्ज कर सकें, फ़ोन चार्ज कर सकें। तो उस तरह से इसकी जो पूरा वायरिंग है या जो लैन नेटवर्क है वो क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। तो एक तो उस तरह का इसमें नया काम किया जाएगा। दूसरा, हम ये भी सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे स्पेसेस इसमें क्रिएट किए जाएँ जहाँ पर यंग जो बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं उनको कोई ग्रुप डिस्कशन करना है, या उनको कोई मॉक इंटरव्यूज़ ऑर्गेनाइज करनी है, या कोई बाहर से लोग आके उनको लेक्चर करना चाहते हैं या कोई डिस्कशन में एंगेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी स्पेस हो।